हमारे सीडलिंग ट्रेस तैयार कर ली हैं और अब बस इनमें सीड्स लगाने हैं। और आज हम लगाएंगे ये है स्पॉन्ज गॉर्ड और इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गिलकी या फिर तुरई। और ये हमने टोमेटो के सीड्स हैं और ये है भिंडी के सीड्स। तो हम सबसे पहले लगाने जा रहे हैं भिंडी के सीड्स। और सीडलिंग ट्रे में अपने फिंगर से ऐसे होल्स कर लीजिए ताकि सीड्स पे प्रेशर ना पड़े और फिर उन सीड्स को। तो गाइस हमने यहाँ पे लिखा है ली बी जे, टी फॉर टमाटो, बी फॉर भिंडी और जी फॉर गिल्की। तो आप भी ऐसे मतलब आपको ध्यान रहे कि कौन से में आपने कौन सा बीज लगाया है, तो आप ऐसे नाम लिख दीजिए। और अभी हम इसे डालते हैं कि बीज पहले मेरे भिंडी में और फिर ये कवर। और हम टमाटो ले लो, टमाटो का एक सीड में डालें, एक डालें और एक और डालें। टमाटो के सीड्स मिल गए हैं, अभी मैं इसे कवर कर दूँ। बस ये टमाटर के बीज थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आप एक होल में टू सीड्स डाल सकते हैं। और हम ये है गिल्की के बीजेस, हम इसे गिल्की वाले पोर्शन में डालेंगे। वन से जैसे हमने दूसरे सीड्स के साथ किया था वैसे ही इसे ऊपर से कवर करते हैं। और जो तो हम स्प्रे बॉटल से इसलिए पानी डालते हैं ताकि जो सीड्स है उन पे ओवर वाटर ना हो। अगर सीड्स में ओवर वाटर होगा तो ये जो सीड्स हैं वो गल जाएंगे, इसलिए आपको इन स्प्रे बॉटल से हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना है। दोस्तों हमने इसे स्प्रे बॉटल से पानी डाल दिया है। दोस्तों जब ये सीड स्प्राउट होंगे तो मैं कोई दूसरी वीडियो में इनका अपडेट बता दूंगा। ट्रेनिंग
दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।